जय श्री राम, राम राम। नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण सीटेट बीटेट एसटेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, सातवें चरण सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज की बड़ी खबर आप लोग देख रहे होंगे, सातवें चरण विज्ञापन जारी करने की मांग चरम पर। सातवें चरण नोटिफिकेशन शीघ्र जारी हो, इसकी मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी। इसके अलावा एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बातें कर रहे हैं, सातवें चरण का विज्ञापन भी जारी हो। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं एसटेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी यह भी मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण बहाली हो, और अभ्यर्थी लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण बहाली हो आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे संपूर्ण बहाली की बातें कर रहे हैं अभ्यर्थी। यह भी कह रहे हैं 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की, तो अब भी होनी चाहिए नौकरी पक्की। जैसा कि 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की बातें निकलकर सामने आई थी, जिसमें अपर मुख्य सचिव जी उपस्थित थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी जो उस समय में थे वो भी उपस्थित थे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी जो अभी वित्त मंत्री जी हैं विजय कुमार चौधरी जी भी उपस्थित थे, और उन्होंने विश्वास दिलाए थे नौकरी पक्की का। तो अब तो नौकरी पक्की होनी चाहिए, जब विद्यालयों की संख्या इतनी है, इस अनुसार से सभी क्वालिफाइड की नौकरी बिल्कुल ही संभव है। आप लोग जानते हैं अन्य सभी विषय के बारे में कई बार बातें स्पष्ट कर चुके हैं, पूरी तरह से नौकरी पक्की है। और इन दो विषय जैसे कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय में भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर नौकरी पक्की, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। और विद्यालयों की संख्या काफ़ी अधिक है, 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। इस अनुसार से कंप्यूटर साइंस विषय में भी कम से कम 8,500 से भी अधिक पद, 8,000 से अधिक पद तो आ ही सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। और इस अनुसार से बात करें तो अन्य सभी विषय 37,000 क्वालिफाइड की संख्या है, कॉमन पेपर वाले भी हैं, तो लगभग 45,000 से 50,000 ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली हो। एसटेट 2019 के 45,000 से 50,000 शिक्षक की बहाली हो तो संपूर्ण बहाली भी हो जाएगी और सभी क्वालिफाइड की नौकरी भी पक्की हो जाएगी। कारण यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब भी होंगे और कॉमन पेपर वाले भी हैं, अन्य सभी विषय 37,000 में से कॉमन पेपर वाले भी हैं, अर्थात पेपर वन और पेपर टू में भी उत्तीर्ण हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, अन्य जॉब मिल जाते हैं, तो इस कारण से अन्य विषय में 37,000 में से 25 से 30,000, और इधर 12,000 तो सोशल साइंस विषय में 10,479 और रिटायर्ड भी हुए हैं, तो कुछ संख्या और भी बढ़ सकती है, और इधर 8,000, तो कुल मिलाकर 45,000 से 50,000 बहाली ही होती है। तो संपूर्ण बहाली भी हो जाएगी और सभी एसटेट 2019 क्वालिफाइड की नौकरी भी पक्की हो जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर तो अन्य जानकारी जिसमें यह बातें की गई है कि वित्त मंत्री जी जो विजय कुमार चौधरी जी हैं अभी, तो उन्होंने यह बातें किए हैं एक वीडियो के माध्यम से। यह बातें निकलकर सामने आई कि 1.25 लाख शिक्षक की नियुक्ति आगे होने की बातें निकलकर सामने आई है। तो ऐसे में आप लोग जानते हैं कि वित्त मंत्री का भी विशेष योगदान कहा जा सकता है शिक्षक बहाली में। तो शिक्षक बहाली के लिए डिपेंड की बात करें तो शिक्षा मंत्री जी के अलावा वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थी आशा रख सकते हैं। तो इसी कारण से वित्त मंत्री जी जो बातें किए हैं, तो 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बातें, तो बजट आप लोग जानते हैं, तो बजट में भी ये सब बातें की जाती है, तो इसीलिए वित्त मंत्री जी का भी विशेष योगदान कहा जा सकता है। ऐसे में शिक्षक बहाली में योगदान की बातें वित्त मंत्री जी भी कर सकते हैं। तो ऐसे में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बातें जो निकलकर सामने आई है, तो 50,000 इसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, और जो बाकी है सीटेट बीटेट के लिए, तो कुल मिलाकर 1.25 लाख शिक्षकों की यदि बहाली होती है तो 50,000 में ही संपूर्ण बहाली हो जाएगी। एसटेट 2019 सभी क्वालिफाइड की नौकरी भी पक्की हो जाएगी। और रिक्तियों की संख्या तो आप लोग जानते हैं काफ़ी अधिक निकलते हैं, जैसे कि आप लोग छठे चरण में देख चुके हैं, प्राइमरी में भी रिक्तियों की संख्या 90,000 से अधिक निकले थे, लेकिन बहाली तो 40,000 प्लस पदों पर ही हो सकी है। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं 32,714 पद छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के निकले हुए थे, जिसमें से 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी। तो पद तो बहुत निकलते हैं, लेकिन सभी प्रक्रिया के बाद कम ही पदों पर बहाली देखने को मिलती है। तो इस अनुसार से बातें कर रहे हैं, तो इसमें 50,000 और बाकी जो है प्राइमरी के लिए 1.25 लाख जो शिक्षकों की बातें, नियुक्ति की बातें वित्त मंत्री जी द्वारा वीडियो के माध्यम से जो निकलकर सामने आई है पिछले दिनों की खबर के अनुसार। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं पिछले दिनों की खबर के अनुसार 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बातें, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 15 अगस्त को यह बातें स्पष्ट की गई, जो 10 लाख नौकरी रोजगार के बारे में
बातें कर रहे थे तेजस्वी यादव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी। तो इसके बढ़ाते हुए बातें किए हैं कि लक्ष्य रखा गया है 20 लाख नौकरी रोजगार का बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी द्वारा। तो इस अनुसार से आप लोग उम्मीद रख सकते हैं, जब इतने बहाली की बातें हो रही है, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार ये सब की बातें हो रही है, 10 लाख नौकरी रोजगार की बातें, तो इस अनुसार से सभी क्वालिफाइड की नौकरी बिल्कुल ही पक्की संभव है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद संख्या बिल्कुल ही घट जाएगी, जो 45 से 50 हज़ार ही पदों पर बहाली हो, संपूर्ण बहाली भी हो जाएगी, स्टेट दोहनी क्वालिफाइड की पूरी तरह से 45 से 50 हज़ार में नौकरी भी पक्की हो जाएगी। तो यही बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 60% 40% जो ड्राफ्ट वायरल हुए थे, तो ज़्यादा उम्मीद है कि ये बातें हो सकती हैं, 60% 40% लागू हो सकते हैं। और पिछले दिनों की खबर के अनुसार जो कल का जो खबर है उस अनुसार से बात करें तो जो बातें इंटरव्यू के बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री जी तो जो स्पष्ट की गई हैं, तो ये बातें अभी बिहार के शिक्षा मंत्री जी फेसबुक के माध्यम से यह बातें किए हैं कि केवल जिक्र किए हैं, तो अभी इस पर कोई बातें नहीं हैं। तो इसीलिए जो है 60% 40% यही लागू होने की पूरी संभावना है, और इंटरव्यू ये सब की बातें नहीं हो सकती है। आप लोग जानते हैं ऐसे में प्रोसेस भी काफ़ी लंबा हो सकता है और काफ़ी समय लगते हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं न्यूज निकाय के बारे में पिछले वीडियो में सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा बातें इस पर नहीं करेंगे। तो आप लोग जानते भी हैं तो कई बातें स्पष्ट कर चुके हैं, तो काफ़ी समय लग जाते हैं इसमें इंटरव्यू प्रोसेस में, और इसमें भी कुछ ना कुछ आप लोग जानते हैं न्यूज निकाय में भी गड़बड़ी होती रहती है, तो जो बातें न्यूज के माध्यम से निकलकर सामने आई है तो कुछ मामले हैं, तो इस कारण से आप लोग समझ सकते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में सभी अभ्यर्थियों का यही विचार है और सभी अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि इंटरव्यू नहीं हो, तो ऐसा ही अब होने की पूरी संभावना है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं सभी एसटेट दोहनीस क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हर हाल में, सीएस और एसएसटी में भी। तो जी बिल्कुल ये संभव है, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। तो इसके लिए अभ्यर्थी लगातार आज मांग कर रहे हैं, और जो एसटेट दोहनीस के लिए सातवें चरण का विज्ञापन भी शीघ्र जारी करने की मांग, इसके अलावा संपूर्ण बहाली की मांग, तो ये अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं, तो अभ्यर्थी का प्रयास जारी है। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में संपूर्ण बहाली हो सकती है, अगर सभी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी जिस तरह से एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं, और एकजुट होना भी चाहिए, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव हो सकती है। वैसे आप लोग जानते हैं कि आपस में अभ्यर्थी आपस में उलझे रहते हैं और बहाली किसी की नहीं हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कि 12 मार्च 2021 से लगभग 12 मार्च तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1.5 साल बीत चुके हैं, अब आगे समय आने वाले समय में 2 साल भी बीत जाएंगे और ये बहाली प्रक्रिया अभी तक अटकी हुई है। तो यदि सभी एकजुट होते हैं और संपूर्ण बहाली की मांग करते हैं तो बहाली भी संभव है, बिल्कुल ही संभव हो जाएगी। और कारण है कि रिक्तियों की संख्या विद्यालय की संख्या के अनुसार काफ़ी अधिक मानी जा सकती है, कंप्यूटर साइंस विषय में भी और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जा सकते हैं, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी बिल्कुल ही पक्की संभव है। तो यही बातें हैं, 8,000 से अधिक पद तो बिल्कुल ही बनते हैं, इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। तो यही बातें हैं, तो शिक्षा संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। और आप लोग देख रहे होंगे 3.5 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में, तो बीते दिनों की खबर के अनुसार बिहार के शिक्षा मंत्री जी भी स्पष्ट किए हैं कि नौकरी के बारे में शिक्षा विभाग में, और आप लोग देख चुके हैं कि और पिछले दिनों की खबर के अनुसार शिक्षा मंत्री जी यह भी स्पष्ट करते हुए नजर आए कि चुनाव के समय में, चुनाव से 6 महीना पहले, साल भर पहले ये बातें की हैं, तो फिर भी 2023 में तो बहाली की बिल्कुल ही उम्मीद की जा सकती है। तो ऐसे में अब विज्ञापन जारी हो सकता है, तो विज्ञापन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी समय लगेंगे, तो इसके लिए विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो और संपूर्ण बहाली हो, रिक्तियों की संख्या बढ़े, तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। और चुनाव के अलावा जो वायरल वीडियो के अनुसार बात कर रहे हैं चुनाव से 6 महीने पहले, और यह भी शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट करते हुए नजर आए थे कि 2-4-6 महीने की बातें हैं। तो कुछ भी हो तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहाली प्रक्रिया अगले साल हो सकती है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।